अगर तू इस बार कहीं जाएगा छोड़ के तो सच में मर जाऊंगा। तो इससे बड़ी बात तो कोई भी लड़की तो उम्मीद करेगा कि ना। ओके, कि बहू बना के इस घर वाले भी रखे हुए थे, बहू बना के रखे हुए, हाँ बहू बना के रखे हुए थे उस घर में। उसका बाप और वो मुझे थोड़ा मिल के थोड़ा डराते हैं, मारपीट करते हैं। 24 घंटे के अंदर लड़का की गिरफ्तारी हो गया, गॉट कन्वर्टेड टू लव, लव हो गया। 3-4 महीने में लव हो गया, 3-4-5 मतलब लग गया है टाइम। मेरे में क्या कमी हुआ कि मैं उसको इतना फेथफुली प्यार किया हूँ, उसको अपनों से ज्यादा भरोसा किया हूँ। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग हैं महिला विकास मंच के ऑफिस के बाहर और एक साथ में आप लड़की देख रहे होंगे मैम के साथ। उड़ीसा से ये आती है, टीचिंग का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं प्यार में फंस जाती है। प्यार में फंसने के बाद ये परेशान हो जाती है। इनके साथ क्या क्या हुआ वो सभी चीज आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैम आपका हमारे साथ फातिमा मैम है, इनसे बात करेंगे। पहले तो मैम आपका जोश तक निर्मित स्वागत है। हाँ, ये क्या कुछ हुआ था इनके साथ? इसके साथ धन्यवाद, इसके साथ हुआ था कि ये लड़की किसी लड़का के चक्कर में पड़ गई थी। वो लड़का रहने वाला है बरुराज थाना पड़ता है काटमेसी के पास, वहाँ मोतीपुर वहाँ का रहने वाला है। और उस लड़का के चक्कर में ये पड़ गई। पड़ने के बाद में जब लड़का के चक्कर में पड़ने के बाद में क्या होता है, प्यार मोहब्बत होता है, दूसरा क्या होता है। लेकिन आप अच्छा एक आप एज कितना है, एज टीचिंग का काम करते हैं, एज कितना है? 29 इयर्स। 29 जी, टीचिंग का काम करते हैं, 29 इयर आपका एज हो रहा है, उसके बाद भी आप इस तरह के चीजों में फंस जाते हैं, लड़के के जाल में प्यार में फंस जाते हैं और आपके साथ कहीं कहीं धोखा हो जाता है। आप एक टीचर है तो फिर आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? टीचर होने के मतलब टीचर हो तो इंसान भी तो होना, मेरे पास भी इमोशनल नाम का कोई चीज होता है, इमोशंस नाम का। लेकिन कहीं ना कहीं टीचर होते हैं ना तो वो सामने से लोगों को परख लेते हैं कि ये कितना सही है कितना गलत है। जैसे कभी बच्चे में 10 बच्चे बैठे हैं तो वो परख लेते हैं, हाँ फलना लड़का जो है पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग ऐसे गलती कैसे कर देते हैं, फंस कैसे जाते हैं? मतलब वो इतना भरोसा दिलाए थे मुझे कि लाइक आप जो सवाल पूछो पूरा एग्जैक्टली करेक्ट था, जैसे कि किसी को परखना चाहिए। मैं भी उसको परखी थी, मैं उसको मतलब लाइक सडनली उसके बातें पे नहीं आए गई थी, बहुत टाइम लगा था। लेकिन मतलब वो तो देखने में अभी भी उसका गांव में भी कोई बिलीव नहीं कर पा रहे कि वो ऐसा हो सकता है, कि ऐसा कर सकता है, क्योंकि लोगों को देखने के बाद पता चलता है कि किस तरह का इंसान। कैसे मिले उनसे? उनसे मिली थी जैसे कि मेरा मोबाइल रिपेयर करने के लिए गई थी। अच्छा। प्लस उसका जो भतीजी होती है, भतीजा होता है, वो लोग मैं जहाँ पे पढ़ाती थी वहाँ पे पढ़ते थे। अच्छा। तो उसी दौरान उसका और मेरा मुलाकात हुआ था। तो मुलाकात होने के बाद क्या क्या हुआ? फ्रेंडशिप, जस्ट इट वॉज नॉर्मल फ्रेंडशिप। आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू मंथ्स, 3-4 मंथ्स आफ्टर, वो जो फ्रेंडशिप था इट गॉट कन्वर्टेड टू लव, लव हो गया। 3-4 महीने में लव हो गया, 3-4-5 मतलब लग गया है टाइम। लाइक उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि ही रियली नीड्स मी, कि हाँ रियली लाइकिंग, ऐसा नहीं कि कोई टाइम पास ऐसा करेगा। क्योंकि जब मेरा मतलब कि इनका कहना है कि 3-4 पहले फ्रेंडशिप हुआ और 3-4 मंथ के बाद जो है वो लव करने लगे, इनसे प्यार करने लगे और वो बोलने लगे इन्हों की मुझे आपकी जरूरत है। और इस तरह से आगे जाने के क्या होता है, आगे क्या हुआ? जी ऐसा होने के बाद लाइक मैं जब हम लोगों का मतलब रिलेशनशिप में हम दोनों आ गए, उसके बाद मैं घर चली गई थी। आई थिंक 2022 मार्च महीना में, मार्च लास्ट को, क्योंकि लव तब हो गया, प्यार हो गया। कितने दिन आप लोग रिलेशन में रहे? मेरे मासा जी जब मर गए थे तभी भी मैं उसको छोड़ के चली गई थी, तभी वो बहुत रोया था। जब वापस भी आई बोला था कि अगर तू इस बार कहीं जाएगा छोड़ के तो सच में मर जाऊंगा। तो इससे बड़ी बात तो कोई भी लड़की तो उम्मीद करेगा कि ना। ओके, कितना दिन आप लोग रिलेशन में रहे? 1.5 साल। 1.5 साल जी, बिना शादी किए? रिलेशनशिप मतलब मिलते थे, ऐसा नहीं कि मिलकर एक ही साथ रहते थे, जैसे मतलब कि प्यार वाला। जी जी जी, लिव इन नहीं था, लिव इन नहीं था, मतलब 1.5 साल तक रहे। फिर क्या दिक्कत हुआ, फिर क्या दिक्कत हुआ कि आप महिला विकास मंच में यहाँ पहुँचे? जैसे कि तो यहाँ किसी के साथ प्रॉब्लम होता है, धोखा होता है, वही आते हैं, ऐसे कोई नहीं आते। जैसे कि 16 अप्रैल को मेरा जन्मदिन रहता है, हम दोनों मुजफ्फरपुर जाते हैं, 15 नाइट को मुझे सरप्राइज पार्टी देते हैं। उसके बाद 16 को हल्का सा झगड़ा हो जाता है दोनों के बीच, तो 17 तारीख में उसका दुकान जाती हूँ, जहाँ पर वो मुझे खुद अपना घर लेके चला जाता है। जाने के बाद उसका बाप और वो मुझे थोड़ा मिल के थोड़ा डराते हैं, मारपीट करते हैं। उसके बाद वो मुझे समझाता है कि जो भी हो गया हो गया, दोनों शादी करेंगे, सीक्रेटली करेंगे, घर वाले अभी तक। लड़का बिहार का था? जी बिल्कुल। वो बोलता है कि घर वाले तो अभी नहीं अपनाएंगे, इसमें पता चला, क्योंकि उससे पहले हम डिसाइड मतलब करते हैं कि शादी कर लेंगे। तो लड़का मुझे टाइम मांगता है, बोलता है कि कन्विंस करेगा फैमिली को,
तो 17 तारीख को ये मामला हो जाता है, जिसके दौरान वो मुझे प्रॉमिस करता है कि मैं 5 तारीख के अंदर मुझे शादी करेगा। देखिए इनका जो कहानी है, ये उड़ीसा की लड़की है, बिहार में टीचिंग का काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, लेकिन यहाँ आती है तो कहीं कहीं बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ इनका मोबाइल खराब होता है और ये जाती है मोबाइल ठीक करवाने के लिए, लेकिन वहां किसी लड़के से फ्रेंडशिप हो जाता है, इनका दोस्ती हो जाता है, धीरे धीरे क्लोज होते हैं। क्लोज होने के बाद 2-3 महीने के बाद जो है लड़के बोलते हैं इनको कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। प्यार होने के बाद जो है बस ये एक दूसरे के करीब रहने लगे। करीब रहने के बाद क्या होता है सभी लोग जानते हैं, 1.5 साल इसी तरह रहे, फिर जो है अचानक से क्या हुआ कि ये शादी के लिए जब लड़की बोलती है मुझे शादी करना है तो लड़के यहाँ पे घबरा जाते हैं, बोलती है यहाँ जो है फैमिली वाले नहीं मानेंगे, कन्विंस करना पड़ेगा फैमिली वाले को। उसके बाद जो है नहीं माने तो ये जो है आ गए यहाँ महिला विकास मंच। यहाँ फातिमा मैम है, इनसे बात करेंगे, क्या कुछ हुआ मैम? नहीं, हमारे पास आने का इसको ये रीजन नहीं था, हमारे इसका वो लड़का अपने घर पे इसको ले गया। हाँ। जो इसका मोतीपुर पड़ता है, वो आपको मुजफ्फरपुर के बाद एक मोतीपुर जगह है, बनुराज थाना, वहाँ अलोरिया, हाँ वही कोई गांव है, वहाँ ले गया। ले जाने के बाद में इसको अपने घर पे रखा लड़का, और सब लोग अगल बगल के हमको जब वहाँ हम गए घटना पे तो पता चला कि बहू बना के इस घर वाले भी रखे हुए थे। बहू बना के रखे हुए थे, उस घर में रही है, हस्बैंड वाइफ के तरह ये रहती थी अपने घर में। उसके बाद अचानक इनके यहाँ मार पीट के इसको फिर भगा दिया लोग। अचानक इसको पता नहीं क्या हुआ, उसको मारपीट के भगा दिया, छोटा मोटा झगड़ा हुआ, मारपीट के भगा दिया, कपड़ा वपड़ा इसका फाड़ दिया, भगा दिया। ये लड़की भाई बाहर की लड़की थी, दूसरे जगह की लड़की आई हुई थी। उसके बाद ये महिला थाना पुलिस थाना में जाके कम्प्लेन कर दी। पुलिस थाना कम्प्लेन, आजकल तो जानते हैं कि पुलिस प्रशासन कितना काम करता है, वो तो पता है, अगर वो काम करते तो शायद से यहाँ नहीं आना पड़ता। हाँ, उसके बाद ये दौड़ते रही एसपी डीएसपी और वहाँ बनुराज थाना दौड़ती रही, इसका काम नहीं हुआ। कहीं से इसको पता चला महिला विकास मंच के बारे में, तो फिर महिला विकास मंच के पास आई, तो बिना मानवी जी हर जगह तो नहीं ना जा सकती है, वो हमारा एरिया है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण हमारा एरिया है। तो हमको बोली फाइमा जी एक लड़की है उड़ीसा से आके भटक रही है, जरा जाके देख लीजिए क्या मैटर है। तो एक दिन हम गाड़ी उठाए चले गए, गए तो बनुराज थाना में गए, बहुत अच्छा उनका था, वो हमसे वादा किए कि मैडम 2-3 दिन का वक्त दीजिए, हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भेज देंगे। और उन्होंने 376 लगा दिए और उसको जेल भेज दिए। यहाँ क्यों आए थे, लड़के का गिरफ्तारी करवाने के लिए? जी नहीं, पुलिस जब काम नहीं किया है तो मुझे सुनने को मिला है जो महिला विकास मंच में पहुंचते हैं उनका मदद मिलता है, तो मैं एक रात को सुइसाइड कर दूंगी बोल के सोचती हूँ। जिसके दौरान मेरा एक न्यूज पेपर रिपोर्टर मतलब से बातें होता है, बोलती हूँ कि इससे पहले आप कहाँ कहाँ भटके हुए थे? मुजफ्फरपुर में कई बार एसपी डीएसपी सर लोगों के पास बहुत बार गई थी, कोई नहीं सुनवाई किया। नहीं, डीएसपी सर ने तो उसको अरेस्ट करने के लिए मतलब केस थ्रू करवा दिए थे, लेकिन जो पुलिस काम करना है वो पुलिस काम करना चाहिए था ना, वो नहीं कर रहे थे। और जैसे कि मुझे उसका गांव वाले लोगों से मुझे पता चलता है कि वो लोग पैसा दिए है, पैसा के चलते वो लोग लड़का को गिरफ्तारी नहीं कर रहे, तो मैं बहुत डेस्परेट हो गई थी। मुझे लगा कि शायद मेरा उम्मीद और नहीं है, इतना कुछ करने के बाद भी मुझे उसके ऊपर केस भी नहीं करना था। मैं इसीलिए केस क्योंकि मेरे सामने आए, मुझे मेरा सवालों का जवाब दे, मेरे में क्या कमी हुआ कि मैं उसको इतना फेथफुली प्यार किया हूँ, उसको अपनों से ज्यादा भरोसा किया हूँ, मतलब कैसे लड़के का गिरफ्तारी हो गया? हाँ, गिरफ्तारी हो गया। कैसे हुआ, किनके कहने? जैसे कि फाइमा में हम लोग आए थे बोलराज पुलिस स्टेशन, तो हम लोग उनका घर गए थे, गांव गए थे, मैं तो नहीं उतरी थी, मैं हम लोग गए, फिर उनका भाभी जो मुझे मारे थे तो उन्हीं को वो लोग गिरफ्तार करके लेके आए, तो 24 घंटा पुलिस के कस्टडी में रखे। कस्टडी रहने के बाद बॉन्ड बना, बोले कि 25 के अंदर लड़का आके खुद को सरेंडर करेगा। तो भगवान का लाखों शुक्रिया है कि भगवान का और ये महिला विकास मंच वही मतलब बिना मैम सबसे पहले तो फाइमा मैम को ज्यादा बोलूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरा हौसला बढ़ाया है, मुझे ताकत दिए है। और जब मैंने रो रही थी, उम्मीद से आप यहाँ महिला विकास मंच आए थे, काम आपका काम पूरा सक्सेस हो गया। जैसे कि उनके भाभी को पुलिस कस्टडी में रखा गया 24 आवर्स, उसके बाद आई थिंक उनके भाभी को हम 19 को उठाए थे कि 20 को, तो 2 दिन के बाद फ्राइडे को मुझे पता चला कि लड़का ने खुद सरेंडर किए हैं। सरेंडर कर जी, बस मेरे मतलब कि 24 घंटे के अंदर जो है महिला विकास मंच जब लगी, जब ये लड़की यहाँ पे पहुंची, 24 घंटे के अंदर लड़का का गिरफ्तारी हो गया।
तो बताइए इतना फास्ट में आप लोग कैसे? नहीं फास्ट नहीं है, देखिए हम लोग हकीकत में काम करते हैं। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। अभी देखिए कि एक 20-22 साल की यूट्यूबर लड़की जो है, आप ही लोग की मतलब फील्ड में रहने वाली यूट्यूबर लड़की, जो किसी वक्त हमारे यहाँ ऑफिस में वो स्टाफ थी, और वो लड़की अभी हम लोग के बारे में बोलती है महिला विकास मंच ये करती है, महिला विकास मंच उगाही करती है, बिना मानवी ये करती है। अरे तुमको हिम्मत है तो बिना मानवी महिला विकास मंच के ऑफिस में आके समझ लो, हम तो तुमको खुली चुनौती दे रहे हैं। तो महिला विकास मंच काम करती है, महिला विकास मंच सामने प्रूफ है, सामने प्रूफ है। आप इस लड़की का नंबर ले लो और इस लड़की को आप एक बार ना हजार बार आप बाइट लो, लड़की क्या बताएगी नहीं बताएगी आपको सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा। हाँ मतलब कि आप देख सकते हैं ये लड़की इस उम्मीद से आई थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा महिला विकास मंच में, और इंसाफ मिल गया, इंसाफ मिला ना जी, बिल्कुल। क्या बोलना चाहेंगे? मैं बस इन लोगों को जितना भी शुक्रिया अदा करूं बहुत कम पड़ेगा, बहुत कम है, क्योंकि मेरे पास तो उड़ीसा आपका घर है लेकिन बिहार में है, ऐसा लग रहा है कि बिहार आपका एक दूसरा जी, मुझे तो इतना भी डराए गए थे कि छोड़ के चले जाओ। कहीं 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 एक चीज और बोलेंगे, इतना अच्छी पढ़ी लिखी है, इतना ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेती है, फिर भी लेकिन इस तरह की गलतियां कर देते हैं, तो कहीं कहीं इन लोगों का भी गलती है इसमें, क्या मैम इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं गलती तो सारा प्यार मोहब्बत में इस तो तरह ये मतलब छोटे एज के वाले लोग प्यार करते हैं तो मानते हैं कि चलो भाई के वो खेल खेल में कर लिए, वही चीज हम बोलना चाह रहे हैं, खेल खेल में कर लिए, बाकी इस उम्र में अगर करते हम तो बस समाज में एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस तरह का ये फेसबुक या प्यार इतिहास चलते प्यार मत कीजिए, आप लोग भी परेशान, हम लोग भी परेशान, प्रशासन भी परेशान, आपका लोग भी परेशान रहते दिन भर और हमारे मीडिया भाई भी परेशान रहते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इसको देखो, इसीलिए हम लोग इसीलिए वीडियो बनाते हैं ना ताकि आप लोग समझे, हाँ समझे कि देखिए यहाँ पे राह चलते प्यार करने से धोखा मिलेगा, मिलेगा, मंजिल नहीं मिलेगा। देखिए बाकी बात इनको इंसाफ मिल गया, बस यही चीजें आप लोगों के साथ शेयर करना था कि देखिए इस यहाँ किस तरह से काम हो रहा है और बहुत सारे लोग आरोप भी लगाते हैं। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं महिला विकास मंच के बारे में कमेंट करके अपना राय जरूर दे दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जोश तक न्यूज के लिए जय।